मेहता का उल्टा चश्मा। मैं सोनू को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सोनू जा जा बेटा, जा जा। सोनू, हम बचपन से दोस्त हैं, हम साथ स्कूल गए हैं, कॉलेज भी साथ जा रहे हैं। हमारी इतने सालों की दोस्ती में एक ट्यूनिंग है, हमारी दोस्ती में एक प्यार है। और आज भी इतने सालों बाद हमारी दोस्ती में ताजे खिले फूलों की खुशबू है। और हमारी ये दोस्ती जिंदगी भर रहेगी। तो सोनू, क्यों ना आज हम इस दोस्ती को एक नया नाम दें? हाँ? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? Will you be my Valentine? सोनू, I love you. अबू, I love you so much. बोला था मैंने? Sorry. सोनू, मेरे प्यार का जवाब नहीं दोगी? एक टप्पू। जवाब चाहिए तुझे? ये जवाब चाहिए? ये रहा तेरा जवाब? ये नहीं, ये तेरा जवाब? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मेरी सोनू के साथ ऐसे पेश आते हो? पूरी सोसाइटी के सामने, मेरे सामने सोनू को प्रपोज करते हो? दूर रहना मेरी सोनू से। अरे आप हमारे प्यार के बीच में क्यों आ रहे हैं? ये बीच में? अरे बाप है भी इज्जत। अरे लेकिन चुप। सॉरी, आज टप्पू चुप नहीं रहेगा। टप्पू सोनू से सच्चा प्यार करता है। हम साथ में पढ़ाई करते थे तब से टप्पू सोनू को पसंद करता है। हाँ। और इसलिए तो टप्पू आपसे ट्यूशन लेने आता था। खाते? हाँ भिड़े पापा। ए, 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 पापा नहीं हूँ, तेरा पापा नहीं हूँ। तेरा पापा तो हट। जेठालाल, मैं तुम्हें कहा था ना कि आज के फंक्शन में अगर टप्पू ने कुछ गड़बड़ की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने वार्निंग दी थी ना? हाँ भाई, दी थी तूने। अरे तो खड़े क्या हो? बोलो कुछ टप्पू को। टप्पू बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। तेरी चॉइस वर्ल्ड बेस्ट है बेटा। दुनिया की सबसे प्यारी लड़की पसंद किया तूने। तूने जिंदगी का सबसे बड़ा समझदारी का काम किया है बेटा, नहीं बापूजी? अरे गड़ा झाला है बेटा। चाचा जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो समझदार हैं, आप कुछ बोलिए। अरे शांत हो जा बिल्ली मास्टर। अरे नहीं, सॉरी आत्माराम जी, शांत हो जाइए। अरे भाई, अब तो आपकी बेटी सोनू हमारे घर की बहू बनने वाली है।
और आप हमारे समझी होने वाले हैं, तो शांत हो जाइए। हाँ गले मिलिए समझी जी, गले मिलिए। वही रुक, ना ही तुम मेरे समझी हो, ना ही ये टप्पू मेरा दामाद हो सकता है। टप्पू, आज तुमने जो कुछ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें सबसे बड़ी पनिशमेंट दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या भिड़े अंकल, क्या भिड़े अंकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। चुप, बात कर मुझसे, चुप। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में है सपने में? मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। उठो मामा उठो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे चुप, क्या भिड़े अंकल, अरे भिड़े अंकल गए फाड़ में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माधवी सोनू चलो चलो अभी अपने घर चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना, चलो अपने घर चलो। अरे मामा, अपने ही घर में हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? और बगा जरा आजू बाजू ला सका। क्या हुआ आपको? आप शवासन करते करते सो गए और फिर ऐसे सपने देखने लगे, गुस्सा हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या सपना देखा? हा? क्या बात है बाबा, लगता है कोई अजीब सा टेंशन वाला सपना देखा आपने। बाबा आपके सपने में टप्पू सेना आई थी। तुम्हें कैसे पता? बाबा आप नींद में गुस्से में चिल्ला रहे थे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्या भीड़े अंकल। तो भीड़े अंकल तो आपको टप्पू सेना ही बुलाती है ना, और इस तरीके से तो आप टप्पू सेना को ही डांटते हैं। हाँ माधवी, बहुत भयानक सपना देखा मैंने, अभी भी सर चकरा रहा है मेरा। तो बताइए क्या शरारत की टप्पू सेना ने? अरे माधवी, मैंने देखा कि टप्पू ने सोनू, तुम जरा अंदर जाओ। बाबा मुझे भी जानना है टप्पू सेना ने क्या किया आपके सपने में। सोनू मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जरा अंदर जाओ प्लीज। जा 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 संग, ओ एक मिनट माधवी। हाँ। बताओ आज तारीख क्या है? 14 फरवरी। 14 फरवरी मतलब आज वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे माधवी। आज 14 फरवरी के दिन सुबह जो मैंने सपना देखा है वो सच होकर रहेगा। क्या देखा? टप्पू सेना का सपना? माधवी मैंने देखा कि टप्पू सेना ने ना क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन का आयोजन किया है। हाँ। और उस फंक्शन में सबके सामने टप्पू ने मेरी भोली भाली सोनू को आई लव यू बोल के प्रपोज किया। क्या कुछ भी सपने देखते रहते हो आप माधवी, सपने में तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ तो आप कुछ भी सपना समझकर भूल जाइए इसको। सुबह सपना देखा है मैंने, और कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये सपना सच होकर रहेगा। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, अभी अभी जेठालाल को फोन करता हूँ। अरे क्या भिड़े तू भी यार। मैंने क्या किया? अरे थोड़ी देर बाद फोन नहीं कर सकता था? क्यों? अरे शादी होने ही वाली थी। किसकी? टप्पू की। मस्त सपना देख रहा था, टप्पू की धूमधाम से शादी हो रही थी। सपने में शादी देख रहे थे? वैसे दुल्हन कौन थी? है? नहीं दुल्हन, दुल्हन दुल्हन कौन थी? दुल्हन ओ घूंघट में थी। अच्छा भला सपना देख रहा था, तूने फोन करके पूरा मूड बिगाड़ दिया दोस्त। जेठालाल सपने की वजह से मेरी सुबह बिगड़ी हुई है। मेरे सपने की वजह से तेरी सुबह कैसे बिगड़ी भाई? क्या छोड़ बोल, फोन क्यों किया? मेंटेनेंस के चेक के लिए? नहीं नहीं नहीं, मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो टप्पू की शिकायत करने के लिए? भगवान, सवारे सवारे फरी पाची एज जूनी कैसेट वगैरह से। जेठिया उठ गया? हाँ बापूजी, एक मिनट चालू रखना। अरे बापूजी इधर आना तो। हाँ आया। क्या हुआ? ये भिड़े का फोन को टप्पू की शिकायत करना चाहता है, जरा बात कीजिए ना। हाँ बोल बिल्ली मास्टर, क्या किया टप्पू ने? नहीं नहीं चाचा जी, टप्पू ने कुछ नहीं किया।
किया नहीं है फिर भी फरियाद करनी। एक बात बोलो बिल्ली मास्टर, हमारे गांव में है ना एक जमना मौसी, वो जब तक अपनी बहू की गलती नहीं निकाल लेती थी ना तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। तेरा भी कहीं ऐसा तो नहीं है ना? चाचा जी मैंने टप्पू की फरियाद करने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर बता फोन क्यों किया? मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि आज टप्पू का प्लान क्या है। हाँ तो फिर वो तू टप्पू से ही पूछ ले। टप्पूड़ा जी दादाजी। हाँ बोलिए दादाजी। ये ले तेरे भिड़े अंकल तुझसे बात करना चाहते हैं। अच्छा यस गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये बताओ तुम्हारा आज का प्लान क्या है? ओह मतलब आपको आइडिया आ गया। तुम सिर्फ मुझे बताओ कि आज का प्लान क्या है। भिड़े अंकल सरप्राइज है। अच्छा मैं आपके घर आके आपको बताता हूँ। ओके बाय। टप्पू देखा माधवी, जैसे ही मैंने पूछा टप्पू को कि आज का प्लान क्या है उसने बोला सरप्राइज है घर आके बताता हूँ। पक्का पक्का वही प्लान है, सरप्राइज फंक्शन का आयोजन करेगा और मेरी सोनू को प्रपोज करेगा। आप पहले शांत हो जाइए। नहीं 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 मैं शांत नहीं रहने वाला। मैं काम करता हूँ, मैं आज के सरप्राइज पार्टी की परमिशन नहीं दूंगा और ना ही सोनू को घर से बाहर जाने दूंगा। आज कौन सी तारीख है? तुमने बताया ना मुझे 14 फरवरी। हाँ तो आज क्या है? वैलेंटाइन्स डे। हाँ तो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हाँ 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 मुझे भी विश कीजिए ना। हाँ हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। अच्छा जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना। ठीक है मेरी प्यारी मधु को हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। सॉरी सॉरी बेटा हम लोग बाद में देखते हैं। आते हैं। ए ए ए कालटिया ए आजाओ 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 बाद में आते मैं। और टप्पू तुम को अकेले आना चाहिए था ना, वो सेना को क्यों साथ में लाए हो? भिड़े अंकल जहाँ टप्पू वहाँ टप्पू की टप्पू सेना। यस। और भिड़े अंकल आज आपको एक सरप्राइज देना है। टप्पू सरप्राइज देने से पहले मेरी बात कान खोल के सुन लो। भिड़े अंकल एक मिनट पहले ये बताइए कि सोनू कहाँ है? सोनू से क्या काम है? भिड़े अंकल आज वैलेंटाइन डे है, सोनू से तो मेन काम है। सोनू बाहर आना। सोनू बिल्कुल मत आना। मैं हूँ ना यहाँ पे, मेरे से बात करो ना। मेरे अंकल आपसे भी बात करनी है लेकिन बात दे पहले सोनू से करनी है। हाँ पहले सोनू। देखो मैं पहले ही कह देता हूँ कि आज तुम लोगों ने जो भी फंक्शन प्लान किया है क्लब हाउस में या सोसाइटी कंपाउंड में मैं परमिशन नहीं देने वाला। मेरे अंकल हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। सोनू ये ले तेरा वैलेंटाइन डे का सरप्राइज। क्या है इसमें टप्पू? बाबा ये सरप्राइज आपके लिए है। हाँ हैप्पी वैलेंटाइन डे आई बाबा। यस हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माय क्यूट बाबा एंड माय लवली आई। सो स्वीट थैंक यू। ये कार्ड हमारे लिए? हाँ बाबा और किसके लिए? हाँ देखे देखे मेरे को देखे देखो देखो मेरे को पूछेंगे। वाह ओहो देखो अचानक से क्या बात है? ये वो कहीं तक तेरी लीला है? है? आज के रोमांटिक डे पर मेरी लाइफ के हीरो और हीरोइन मेरे आई बाबा को वैलेंटाइन्स डे की विशेष। क्या बात है बेटा थैंक यू सो मच। चलो जाओ जब बाहर। आई बाबा आप दोनों ने अपना फर्स्ट वैलेंटाइन खंडाला में मनाया था और आज आप दोनों का 20th वैलेंटाइन डे है तो मैं चाहती थी कि मैं आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल करूं। आई बाबा आप दोनों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है। अर्जुन? हाँ? अर्जुन? क्या है इसमें? होटल लव वर्ड में आप दोनों के लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर। क्या बात है टप्पू सेना थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सोनू थैंक यू। और भिड़े अंकल आज प्यार का दिन है तो आप और माधवी आंटी डिनर के लिए जाओ ना तो रोमांटिक कपल बनकर जाना। और भिड़े अंकल एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनना, आपके वो कुर्ते उड़ते मत पहनना। ये गोड़िया मुझे क्या सिखा रहे हो, मुझे पता है वैलेंटाइन डे पे क्या पहनना चाहिए। हा? वैसे तुम लोग का क्या प्लान है आज? हम बस कुछ नहीं भिड़े अंकल, टप्पू सेना थोड़ी पढ़ाई करेगी फिर घूमने जाएगी कॉफी पिएगी बस। हाँ वही जो रोज करते हैं वो मस्त एंजॉय करेगी। यस अहो आपके साथ रोमांटिक डिनर पे जाने का मेरा कितने दिनों का सपना आज पूरा होने वाला है। सच कहूं मेरा भी यही सपना है कि हम लोग रोमांटिक डिनर पे जाएं।
एक्चुअली उस सपने की वजह से ना मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं ना वीडे। लेकिन माधवी वैलेंटाइन डे तो अगले साल भी आएगा, मतलब टेंशन अभी भी है? अभी भी आपके दिमाग में सपना और टेंशन ही घूम रहा है? आप मेरा रोमांटिक मूड मत खराब कीजिए, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। नहीं नहीं सॉरी 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 माधवी सॉरी, नहीं नहीं मैं बिल्कुल अभी वो सब बात नहीं करूंगा। सपने में भले ही टप्पू ने सोनू को प्रपोज किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 20 साल की हो गई हूँ। हो गई हो क्या माधवी, तुम 20 साल की ही हो। गायत्री जो रोमांटिक ना हो ना वो भी रोमांटिक हो जाएगा यहाँ आकर। नहीं माधवी आई लव यू टू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। ओहो केक भी, वाओ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मस्त है ना? ए माधवी मला काटो, ये आचार पापड़ के बिजनेस के साथ साथ हम लोग केक का भी बिजनेस शुरू कर दे क्या? बिजनेस नहीं है यहाँ पे अभी, रोमांटिक मूड। ओके सॉरी डार्लिंग। सर है आपके लिए। अरे नहीं नहीं पार्टी शार्टी नहीं करनी, आई मीन नो अल्कोहल। सर स्पेशल स्पार्कलिंग जूस है। Cheers. Cheers. वाओ क्या मस्त है, मैं तो पहली बार ऐसा जूस पी रही हूँ। जस्ट सम म्यूजिक फॉर यू। ओह क्या बात है, हाँ प्लीज प्ले। मजा आया आज, नहीं ये रोमांटिक डिनर मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। कितनी हाल है? बिल्कुल सच कहा था माधवी तुमने, ये डिनर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। अरे 21,540 रुपए बिल आया है। टप्पू टप्पू कब सुधरोगे तुम? सॉरी सर ये बिल आपका नहीं है, नेक्स्ट टेबल पर जो कपल है सर उनका बिल है। तो हमारा बिल कितना आया है? सर आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। एक्चुअली सर जिसने आपकी टेबल बुक कराई थी ना टप्पू, वो और हमारे ओनर का बेटा बहुत अच्छे फ्रेंड है सर। एंड सर हमारी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ओहो क्या बात है, आए इमो माधवी। अय्या कितने चांस, अप्रतिम सरप्राइज। माधवी वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सेम टू यू। सपना टूट गया, हृदय का सपना टूट गया, लेकिन आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं। ये इस वक्त इसलिए है क्योंकि ये बड़ी ही राहत की बात है कि ये सपना ही था। बहुत खुशी की बात है कि ये सपना सत्य नहीं था। अगर ये सपना सत्य होता तो सोचिए गोकुलधाम में क्या हो सकता था, बहुत बड़ा युद्ध जो लगभग विश्व युद्ध की तरह होता।
लेकिन अंततः सब ठीक हो गया। और गोकुल धाम की यही विशेषता है कि युद्ध होते भी हैं तो हंसी में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में भी होगा, मेरे दिमाग में कई बार आता है कि ये इस तरह के सपने क्यों देखते हैं हम लोग? शायद कोई चीज जो हम बार बार सोचते हैं उन्हें लेके हम सपना देखते हैं, या फिर जो सबकॉन्शियस माइंड में डर होता है वो सपनों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि भाई भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अतीत को भी छोड़िए और वर्तमान में जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहेंगे उतने ज्यादा खुश और प्रसन्न रहेंगे, जैसे इस वक्त भिड़े परिवार है सोनू के सरप्राइज की वजह से। सोनू ने कमाल का सरप्राइज दिया। भाई जब हमारे बच्चे हमें सरप्राइज देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके बच्चे भी आपको सरप्राइज देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे भिड़े और माधवी को इस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने इस रोमांटिक सरप्राइज की उम्मीद नहीं की थी। ये हंसी यूं ही बनी रहनी चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। मित्रों एक विशेष बात, शिवरात्रि जिन्हें महेश, नीलकंठ, गंगाधर बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू है, जो संहार के देवता भी हैं, और नटराज भी, जो नृत्य और कला का प्रतीक है। तो महाशिवरात्रि के इस दिन हम भगवान शिव की जो अपरंपार महिमा है उसके गुण गाएं, उन्हें याद करें, उनकी भक्ति करें, और शिवरात्रि के दिन ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि सबके जीवन में खुशियां रहें और गोकुल धाम में कोई हंगामा न हो। लेकिन आप जानते हैं हमारा और हंगामों का चोली दामन का साथ है, इधर हंगामे उधर हंसी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।